अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन डेमन एंड पेथिस और रिटन बाय फैन किसन। और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इस लेसन का पार्ट टू। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में फ्रेंड्स हमने कहाँ तक पढ़ा था कि डेमन जो है वो उसे प्रिजन में मिलने आता है और कहता है कि मैं बादशाह से जाकर बात करूँगा कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए जो है वो फ्री कर दें ताकि तुम अपनी मदर और सिस्टर के पास जाओ, और मैं ये भी कहूँगा कि तुम अपनी बात के वादे के कितने पक्के हो कि और ये कि तुम टाइम पर वापस आ जाओगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में पेथिस आगे से उसे क्या कह रहा है। डू यू बिलीव फॉर वन मोमेंट दैट द किंग वुड लेट मी लीव दिस प्रिजन। कहता है क्या तुम एक लम्हे के लिए भी ये सोच सकते हो या यकीन कर सकते हो कि बादशाह मुझे इस जेल को छोड़ने की इजाज़त देगा। नो मैटर हाउ गुड माई वर्ड्स मे हैव बीन ऑल माई लाइफ। कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने सारी उम्र जो है अपने अल्फाज का यानी कि अपने वादे का कितना पास रखा है, अपनी बातें कितनी पूरी की हैं। डेमन आगे से उसे कह रहा है आई विल टेल हिम दैट आई शेल टेक योर प्लेस इन द प्रिजन सेल। सेल होता है कोठरी, जेल की जो कोठरी होती है। कहता है कि मैं बादशाह को बताऊंगा कि मैं तुम्हारी जगह यहाँ कैद खाने की जो कोठरी है तुम्हारी जगह ले लूँगा। आई विल टेल हिम दैट इफ़ यू डू नॉट रिटर्न बाय द अपॉइंटेड डे ही मे किल मी इन योर प्लेस। अब देखें इतनी गहरी दोस्ती है कि डेमन क्या करने चला है। कहता है कि मैं बादशाह को ये कहूँगा कि अगर तुम वापस नहीं आओगे अपने मुकर्रर दिन पर तो वो तुम्हारी जगह मुझे कत्ल कर दें, मुझे मार दें। अब आगे से पेथिस क्या कह रहा है। नो नो डेमन, वो उसे रोक रहा है ना। कहता है नहीं नहीं डेमन, यू मस्ट नॉट डू सच अ फुलिश थिंग। कहता है ऐसी अहमकाना हरकत तुम बिल्कुल भी नहीं तुम्हें करनी चाहिए। आई कैन नॉट, कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अपनी जगह तुम्हें यहाँ कैद खाने में डाल दूँ। आई विल नॉट, कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेट यू डू दिस, तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। डेमन डेमन डेमन, वो अब उसे आवाज़ें देता रह गया, वो चला गया। डोंट गो, मत जाओ वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ है, वो चला गया। टू हिमसेल्फ, अब वो तो जा चुका है डेमन, तो हिमसेल्फ अपने आप से जैसे मुखातिब हो रहे हैं ना। डेमन माई फ्रेंड, कह रहा है डेमन मेरे दोस्त, यू मे फाइंड योर सेल्फ इन अ सेल बिसाइड मी। कहते हैं कि क्या तुम जो है मेरी जगह, मेरे अपने आप को मेरी जगह यहाँ जेल की कोठरी में रखोगे। मतलब सोच रहा है और एकदम से अफसोस कर रहा है अपने दोस्त के लिए। तो फिर क्या हुआ है, म्यूज़िक इन ब्रीफली एंड आउट, तो मधम सी मौसीकी जो है वो आई है उसकी आवाज़ कोई धुन की और फिर वो ख़त्म हो गई है। अब हमारा आ गया है सीन फोर। सीन थ्री जो था हमारा वो प्रिजन का था, जेल का मंज़र था। अब ये मंज़र होगा पैलेस का यानी कि बादशाह के महल का, क्योंकि डेमन वहाँ आया है बेगिंग, इल्तिजा करते हुए। कह रहा है योर मैजिस्ट्री, जिनाबे वाला, आई बेग ऑफ यू। कहता है कि मैं आपसे जो है मिन्नत करता हूँ, लेट पेथिस गो होम फॉर अ फ्यू डेज टू बिड फेयरवेल टू हिज मदर एंड सिस्टर। कहता है कि मैं आपसे ये मिन्नत करता हूँ कि पेथिस को कुछ दिनों के लिए घर जाने दें ताकि वो अपनी माँ और बहन को फेयरवेल जो होता है अलविदा या खुदा हाफिज़ कह सके। ही गिव्स हिज वर्ड दैट ही विल रिटर्न एट योर अपॉइंटेड टाइम। कहता है उसने अपने ये कॉल दिए हैं या अल्फाज दिए हैं या उसने ये वादा किया है कि वो आपके अपॉइंटेड करता या मुकर्रा टाइम पर वापस आ जाएगा। एवरी वन नोज दैट हिज वर्ड कैन बी ट्रस्टेड। कहता है हर कोई जानता है कि उसके वादे पर भरोसा किया जा सकता है। ये वो बादशाह को कह रहा है सब कुछ डेमन। अब किंग आगे से उसे क्या जवाब देता है बादशाह। कहता है इन ऑर्डिनरी बिजनेस अफेयर्स, कहता है बिल्कुल आम कारोबारी मामलात में परहैप्स, यानी कि वो उसे कह रहा है कि आम कोई मामलात हो ना तो उस पे उसमें इस पर यकीन किया जा सकता है। बट ही इज़ नाउ अ मैन अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ। कहता है लेकिन वो अब एक ऐसा शख्स है जिसको सजाए मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। टू फ्री हिम इवन फॉर अ फ्यू डेज वुड स्ट्रेन हिज ऑनेस्टी। कहता है कि उसको चंद दिनों के लिए रिहा करना ही क्या होगा कि उसकी जो ईमानदारी है वो उसका राज
खुल जाएगा, एनी मैंस ऑनेस्टी कहता है, बल्कि किसी भी आदमी की दयानतदारी खुल जाएगी। टू फॉर बहुत दूर है, कहते हैं किसी भी आदमी की दयानतदारी यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो अपनी मौत से भागने का बहाना तलाश कर रहा है। पेथिस वुड नेवर रिटर्न हियर, कहता है पेथिस जो है ना यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आएगा। आई कंसिडर हिम आ ट्रेटर बट आई एम सर्टेन ही इज़ नो फूल, कहता है कि मैं तो उसे गद्दार जो है समझता था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। अब वो बादशाह इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने ये अपना प्लान बनाया है यहाँ से बाहर निकलने का और अपनी ज़िंदगी बचाने का। अब आगे से डेमन क्या कह रहा है बादशाह को, डेमन योर मजिस्ट्री जनाबे वाला, आई विल टेक हिज प्लेस इन द प्रिजन अनटिल ही कम्स बैक, कहता है जनाबे वाला जब तक वो वापस नहीं आता मैं जेल में उसकी जगह लूँगा। इफ़ ही डज नॉट रिटर्न, कहता है अगर वो वापस ना आया, देन यू मे टेक माई लाइफ इन हिज प्लेस, तो आप उसकी जगह मेरी जान ले सकते हैं। किंग बादशाह अब आस्टोनिश्ड बिल्कुल हैरान परेशान हो गया ना, हैरान परेशान होकर कह रहा है व्हाट डिड यू से डेमन, कहता है डेमन ये तुम क्या कह रहे हो, यानी कि कौन सा दोस्त है जो अपनी किसी की जगह जो खुद मरने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो उसे कह रहा है डेमन तुमने क्या कहा है, उसे दोबारा पूछना चाह रहा है डेमन से ना। अब डेमन आगे से बादशाह को कह रहा है इसके जवाब में, कहते हैं आई एम सो सर्टेन ऑफ पेथिस दैट आई एम ऑफरिंग टू डाई इन हिज प्लेस इफ़ ही फेल्स टू रिटर्न ऑन टाइम, कहता है कि मुझे पेथिस पर इतना ज़्यादा यकीन है कि अगर वो वक्त पर आने पर नाकाम रहता है तो इसकी जगह मैं मरने के लिए खुद को पेश कर दूंगा। किंग बादशाह क्या कह रहा है, आई कांट बिलीव यू मीन इट, कहता है कि तुम जो भी कह रहे हो ना मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। डेमन आगे से कह रहा है आई डू मीन इट योर मेजेस्टी, कहता है कि मेरा यही मतलब है हुजूरे वाला, क्योंकि बादशाह को जो है यकीन नहीं आ रहा। अब किंग बादशाह आगे से क्या कह रहा है, यू मेक मी वेरी क्यूरियस, कहते हैं तुमने तो ना मुझे बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस कर दिया है, यानी कि तजस्सुस में डाल दिया है डेमन। सो क्यूरियस दैट आई एम विलिंग टू पुट यू एंड पेसिस टू द टेस्ट, कहता है कि इतना ज़्यादा तुमने मुझे मुतजस्सिस कर दिया है कि मैं तुम्हें और पेथिस को टेस्ट यानी कि आजमाने के लिए विलिंग हूँ, एग्री हूँ, रजामंद हूँ। दिस एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स विल बी मेड, अब ये जो कैदियों की जो ये तबादला है ये होगा। बट पेथिस मस्ट बी बैक 2 weeks फ्रॉम टूडे एट नून, अब वो कह रहे हैं लेकिन पेथिस को आज से 2 हफ्ते बाद दोपहर को वापस आना होगा। तो डेमन अब आगे से क्या कह रहे हैं, थैंक यू योर मेजिस्ट्री, कह रहे हैं जनाबे वाला आपका बहुत शुक्रिया। किंग अब बादशाह क्या कह रहा है, द ऑर्डर विद माई ऑफिशियल सील शेल गो बाई योर ऑन हैंड डेमन, कहता है कि मेरा जो सरकारी मोहर के साथ जो हुक्म है ना वो तुम्हारे साथ जाएगा, यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पर तुम मुझे लिखकर उस पर स्टैंप लगवा रहा है ना उससे कि मुझे यहाँ पर लिखकर तुम बताओ कि तुम सच कह रहे हो। बट आई वार्न यू, वार्न होता है खबरदार करना, कहता है मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, इफ़ योर फ्रेंड डज नॉट रिटर्न ऑन टाइम, कहता है अगर तुम्हारा दोस्त वक्त पर वापस ना आया यू शेल श्योरली डाई इन हिज प्लेस, तो कहता है तुम्हें यकीनन उसकी जगह तुम मरोगे। आई शेल शो नो मर्सी, कहता है मैं कोई रहम नहीं खाऊंगा या कोई तर्स नहीं दिखाऊंगा। म्यूजिक इन ब्रीफली एंड आउट, अब मौसीकी की जो धुन है वो हल्की सी उसकी आवाज़ आई है और ख़त्म हो गई है। अब जो है हमारे पास है scene 5 यानी कि 5वां मंजर। अब जब वो चला गया है, एक्सचेंज हो गए हैं दोनों के, तो फिर वो अब लोगों का भी दिखाएंगे ना कि लोग क्या बातें कर रहे हैं इस बारे में, सब लोग क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर नरेटर यानी कि जो हमें स्टोरी सुना रहा है किस्सा को, क्या कहता है, पेथिस डिड नॉट लाइक द किंग्स बार्गेन विद डेमन, कहता है कि ये जो बादशाह ने डेमन के साथ जो ये सौदेबाजी की है ना ये पेथिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ही डिड नॉट लाइक टू लीव हिज फ्रेंड इन प्रिजन
विद द चांस दैट ही माइट लूज हिज लाइफ इज समथिंग वेंट रॉन्ग। कहता है कि उसने ये बिल्कुल भी अपने दोस्त को पसंद नहीं किया जेल में छोड़ना, इस इत्तफाक पर कि अगर उसे कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी जान चली जाए। बट लेकिन एट लास्ट आखिरकार डेमन परसुएटेड हिम, डेमन ने क्या किया, उसे काइल कर ही लिया अपने दोस्त को टू लीव एंड पेथी सेट आउट फॉर हिज होम। अब क्या हुआ कि लीव के वहाँ वो छोड़े ये जेल खाना फटाफट छोड़े एंड सेट आउट रवाना हो जाए फॉर हिज होम, और फिर पेथिस जो है अपने घर को रवाना हुआ। अब क्या हुआ है, मोर देन अ वीक वेंट बाय, एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया। द डे सेट फॉर द डेथ सेंटेंस ड्रू नियर, अब जो सजाए मौत का जो दिन था, मुकर्रा दिन था, वो क्या था, नज़दीक आ गया। पेथिस डिड नॉट रिटर्न, अब क्या हुआ है, पेथिस जो है वो वापस ना आया। एवरीवन इन द सिटी न्यू ऑफ द कंडीशन ऑन विच द किंग हैड परमिटेड पेथिस टू गो होम, अब वो सिसिली वो जो आइलैंड है या वो जो शहर है वहाँ हर बंदा जानता था उस शर्त को, उस कंडीशन को जिस पर बादशाह ने पेथिस को घर जाने की इजाज़त दी थी। एवरीवेयर पीपल मेट, जहाँ कहीं भी लोग मिलते दे टॉक वॉज श्योर टू टर्न टू दी टू फ्रेंड्स, तो उनकी बात यकीनन मुड़कर इन दोस्तों की तरफ, उनकी बात का रुख जो है वो मुड़ जाता। फर्स्ट वॉइस, पहली आवाज़, अब मतलब जहाँ दो लोग मिले हैं, क्या दो तीन लोग क्या कह रहे हैं, डू यू सपोज पेथिस विल कम बैक, कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि पेथिस जो है वह वापस आ जाएगा। सेकंड वॉइस, अब दूसरी आवाज़ क्या आ रही है, वाई शुड ही स्टिक हिज हेड अंडर द किंग्स एक्स वंस ही हैज़ एस्केप्ड, कहते हैं कि एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, एस्केप्ड बचना, कहते हैं कि एक दफ़ा वो जब बच कर निकल गया है तो वो किंग्स एक्स यानी कि बादशाह के कुल्हाड़े के नीचे अपना दोबारा से सर क्यों देगा। थर्ड वॉइस, अब एक तीसरी आवाज़ आई है, स्टिल वुड एन ऑनरेबल मैन लाइक पेथिस लेट सच अ गुड फ्रेंड डाई फॉर हिम, कहते हैं फिर भी पेथिस जैसा जो मोजिस आदमी है वो अपने इतने अच्छे दोस्त को अपनी जगह क्या मरने देगा। मतलब वही बात है कि जितने मुँह उतनी बातें, जिसके मुँह में जो आ रहा है वो अपने अंदाजे लगा रहा है कि वो आएगा या नहीं आएगा। अब दोबारा से फर्स्ट वाइस, वो पहला आदमी क्या कह रहा है, देर इज़ नो टेलिंग व्हाट अ मैन विल डू व्हेन इट्स अ क्वेश्चन फॉर हिज ओन लाइफ अगेंस्ट अनदर्स, कहता है कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जब दूसरे की निस्बत उसकी ज़िंदगी का अपना अपनी ज़िंदगी का सवाल हो तो इंसान क्या करेगा। सेकेंड वॉइस, दूसरी आवाज़ आई है, बट इफ़ पेथिस डज नॉट कम बैक बिफोर द टाइम इज़ अप, कहता है लेकिन अगर मुकर्रा वक्त से पहले पेथिस जो है वापस नहीं आता, ही विल बी किलिंग हिज फ्रेंड, तो वो अपनी जो है दोस्त को कत्ल कर रहा होगा, यानी कि उसने फिर जानबूझ के अपने दोस्त को कत्ल किया है। अब लोगों में इस तरह की बातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। थर्ड वॉइस, अब तीसरी आवाज़ क्या कह रही है, वेल देर स्टिल अ फ्यू डेज टाइम, कहते हैं अच्छा अब भी चंद दिनों का वक्त बाकी है, आई फॉर वन आई एम सर्टिन डैट पेथिस विल रिटर्न इन टाइम, कहते हैं मुझे यकीन है कि पेथिस जो है वो वक्त पर वापस आ जाएगा। सेकेंड वॉइस, अब दूसरी आवाज़ क्या कह रही है, एंड आई एम जस्ट एज सर्टिन डैट ही विल नॉट, दूसरा कह रहा है कि और मुझे यकीन है कि वो नहीं आएगा। फ्रेंडशिप इज़ फ्रेंडशिप, कहता है दोस्ती दोस्ती है, बट अ मैंस ओन लाइफ इज़ समथिंग स्ट्रोंगर, कहता है लेकिन एक आदमी की अपनी ज़िंदगी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही मजबूत चीज़ है, आई से मैं कहता हूँ। यानी कि अब इस बारे में लोग आपस में बातें करने लग गए हैं, एक दूसरे पर बैट लगाने लग गए हैं कि देखो आएगा नहीं आएगा, इस तरह की बातें पूरी सिटी में शुरू हो गई हैं। अब क्या है कि हमारे पास सीन सिक्स शुरू हो गया है, छठा मंजर। छठे मंजर में अब हम क्या देखते हैं, नरेटर किस्सा को हमें बताता है, टू बिफोर द टाइम वॉज अप, कहता है टाइम वॉज वक्त पूरा होने से दो दिन पहले, द किंग हिमसेल्फ विजिटेड डेमन इन हिज प्रिजन सेल, अब बादशाह खुद जो है चलकर वो जेल की कोठरी में डेमन से मिलने आया है। साउंड आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, आयरन डोर अनलॉक्ड एंड ओपन, कि लोहे का बड़ा दरवाज़ा है अनलॉक्ड, उसका ताला खुलता है और फिर वो दरवाज़ा जो है वो खुलता है।
किंग बादशाह जो है मोकिंग, मोकिंग होता है मजाक उड़ाते हुए ना, किसी का मजाक उड़ाना, तो मोकिंग आईएनजी है, तो मजाक उड़ाते हुए क्या कह रहा है, यू सी नाउ डेमन, कहते डेमन अब तुम देखो, दैट यू आर वर अ फूल टू मेक दिस बारगेन, कहता है कि इस सौदे में ना तुम बहुत ही बेवकूफ़ थे, योर फ्रेंड हैज़ ट्रिक्ड यू, कहते हैं तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ ट्रिक्ड किया है, यानी कि धोखा किया है, ही विल नॉट कम बैक हियर टू बी किल्ड, कहते हैं वो यहाँ पर कत्ल होने के लिए, मरने के लिए यहाँ दोबारा वापस नहीं आएगा, ही हैज़ डिजर्टेड यू, कहता है कि उसने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया है। डेमन क्या कह रहा है, काम एंड फेम, काम होता है बिल्कुल ही पुरसकून, और फेम होता है मजबूती से डटे होना या कायम होना, कहते हैं आई हैव फेथ इन माई फ्रेंड, कहते हैं मुझे जो है अपने दोस्त पर एतमाद है, यकीन है, आई नो ही विल रिटर्न, कहते हैं मैं जानता हूँ कि वो ज़रूर वापस आएगा। किंग, अब बादशाह क्या कह रहा है, मोकिंग मजाक उड़ाते हुए, वी शैल सी, कहता है अच्छा हम देखेंगे कि वो आता है या नहीं आता, मतलब मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया है। साउंड, अब किस चीज़ की आवाज़ आई है, आयरन डोर शट एंड लॉक्ड, कि वो लोहे का जो दरवाज़ा है वो बंद होता है और उसका जो है ताला लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारा डेमन एंड पेथिस का पार्ट टू जो है कम्प्लीट होता है। इस लेसन का बाकी पार्ट पढ़ने के लिए आप इससे नेक्स्ट वीडियो देखिए।